हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, रंगों के बारे में, कलर्स। सोचो, थिंक ओवर इट, अगर इस दुनिया में रंग नहीं होते, कलर्स नहीं होते, तो ये दुनिया कैसी होती? बिना कलर की कोई अट्रैक्शन नहीं। इस दुनिया को भगवान ने इतना कलरफुल बनाया है। हु हैज मेड दिस वर्ल्ड, डू यू नो? गॉड। गॉड ने क्या क्या बनाया है? गॉड ने रिवर्स बनाई, माउंटेन्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिशेस, बटरफ्लाइज, सो मेनी थिंग्स आर फुल ऑफ कलर्स। सब कलर्स है, डिफरेंट कलर्स। सो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर कलर ही नहीं होते तो दुनिया क्या इतनी अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती। इसलिए आई एम शोइंग यू अ पिक्चर, अ सीन। ये देखिए, ये सीन देखिए, इट इज फुल ऑफ कलर्स। द स्काई हियर, द ब्लू स्काई इज हियर। ये पेड़ है, ये हरी हरी घास है, ट्रीज है, ये आप देखिए, ये माउंटेन है, ये सारी चीजें। अगर ये सारी चीजों में कलर्स नहीं होते तो ये होते कैसे? होते कलरलेस, मतलब बिना रंग के। रंग ही नहीं होते दुनिया में तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी इतना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नहीं होता। तो आज हम क्या करते हैं, हम इन्हीं कलर्स को के नाम्स को जानते हैं, नेम्स को देखते हैं और देखते हैं कि क्या कलर। हिंदी में तो आप सभी जानते हैं ना रंगों को, तो वे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कलर, कैसे आप पहचानेंगे क्या कौन सा कलर है। रेड, आर ई डी, रेड। रेड क्या होता है? टोमेटो इज रेड, रोजेज आर रेड। तो हियर इट इज रेड, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड। After that, green, grass is green. You have seen grass, घास देखी है? घास कैसी होती है? Green, vegetables कैसी होती हैं? Green. और पत्तियां कैसी होती हैं? Green. तो here is green, here is green, and यहां पर भी green, green, G R E E N, green. Now we come to blue, blue, B L U E, blue. क्या ब्लू है? द स्काई, आसमान ब्लू है, स्काई इज ब्लू। आफ्टर दैट ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। ऑरेंज तो खाया है आप लोगों ने, हाँ, इसका नाम कलर पर पड़ गया, ऑरेंज। संतरा, संतरा खाया है ना, दैट इज ऑरेंज। पिंक, पी आई एन के, पिंक। पिंक फ्लावर्स होते हैं, यू हैव सीन पिंक, लिप्स आर पिंक। येलो, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येलो। व्हाट इज येलो? लेमन्स आर येलो, नींबू देखे हैं, नींबू येलो होते हैं। देन पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल कलर देखा है? हाँ, यस। बैंगन, ब्रिंजल, बैंगन देखा है? बैंगन में पर्पल कलर है। ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन। हेयर इज ब्राउन एंड हेयर इज ब्राउन। और आपने क्या देखा है? ब्राउन, माउंटेन्स आर ब्राउन। माउंटेन, पहाड़ कैसे होते हैं? ब्राउन होते हैं, भूरे, ब्राउन। एंड हियर, सो दिस इज रेड, दिस इज येलो, एंड दिस इज रेड। सो वी आर वंस अगेन, वी आर रीडिंग आर ई डी रेड, जी आर ई एन ग्रीन, बी एल यू ब्लू, पी आई एन के पिंक, P U R P L E purple, Y E L L O W yellow, and B R O W N brown. So they are colors. Now एक बार हम फिर से देख लेते हैं और कलर्स के नाम सीखते हैं। ये which is this color? Brown. Mountains are brown. Potatoes are brown. Green. Grass is green. वेजिटेबल्स आर ग्रीन, एंड ट्रीज, ट्रीज की लीव्स, हाँ, पत्तियां, दे आर ऑल्सो ग्रीन। रेड, वॉट इज रेड? एप्पल इज रेड। सेब लाल होता है, आर ई डी रेड, एप्पल इज रेड इन कलर।
So there are three colors: brown, B-R-O-W N, brown; G-R-E-E-N, green; R-E-D, red. Brown, green, red. After that, yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow. येलो से क्या होता है? हाँ, लेमन. यस, लेमन इज देयर. लेमन खाए आपने? यस, लेमन इज ऑफ येलो कलर. आफ्टर येलो कलर वी गो टू, आइडेंटिफाई करो इस कलर को, ये कौन सा कलर है? दिस इज पिंक. हैव यू सीन एनीथिंग ऑफ पिंक? यस, लिप्स आर पिंक. ऑफ कोर्स लिप्स आर पिंक. सो पिंक इज कलर विच इज फ्रॉम रेड. It is not red, but it is the family of red, pink color. So we have red now. First, let me say aloud. Now say after me. हमारे बाद आप बोलेंगे. Brown, green, red, yellow, and pink. Brown, green, red, yellow, and pink. After pink, we come to one more beautiful color. Blue, B-L-U-E, blue. What is blue? This is blue. And the sky is blue. You have seen sky? Sky is of blue color. So it is very beautiful color, blue. Now, you have come to know the colors. Colors देख लिए and उन्हें identify कर लिया. कौन कौन से colors होते हैं? Now what I am going to do something. I'll show you a picture and then I'll ask you something. Here I am showing you a picture. Here is the picture. Now you can see this picture. A boy is there. Who is holding a colorful umbrella. एक लड़के ने क्या ले रखा है? Colorful umbrella. And a man is also there. And one more child, girl, she is going. वो जा रही है किसके साथ? इन लोगों के साथ. The three persons, तीन लोग. They all are going. और इन लोगों ने colorful कपड़े पहन रखे हैं. They have, now you can look at them. They have colorful clothes. And the scene where they are going, that is also very beautiful, colorful scene. Now let's say, ask you something. First, we'll sing a song, and I'll ask you, and you have to answer after that. Red, red, red. What is red? My cap is red. Blue, blue, blue. What is blue? The sky is blue. Purple, purple, purple. What is purple? The flowers are purple. Green, green, green. What is green? The grass is green. Blue, blue, blue. What is blue? The sky is blue. Red, red, red. What is red? My cap is red. Brown, brown, brown. What is brown? My trousers is brown. Black, black, black. What is black? The hairs are black. So we sing this song. Now I am going to ask you question on it. Now you have to tell me, what is brown in color in this picture? The trousers are brown. The road is also brown. So these two things are brown. And what is purple in color? The shirt is purple in color. The flowers are purple in color. What is red? The cap is red. This color in umbrella, this is also red. And what is green? Green. The shirt is green here. This shirt, this is green. And the grass over here also is green. Trees are green. All these things are greens. And what is blue? The sky is blue.
all around here. It is, this is blue. And what is pink? The girl is holding something. ये देखो क्या रखा है इसने अपने बैग में. She has kept something. This is pink. This is pink in color. Now, what is yellow? My shirt is yellow. The girl, लड़की ने जो पहन रखा है, that is yellow. So, you have seen this picture. आपने आइडेंटिफाई किए कलर्स को. अब मेरे साथ आप कलर्स बोलेंगे. मैं कलर बोलूंगी उनके पीछे आप. यू विल से अलाउड रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन, पिंक. Children, you have learnt colors. So, go and find out more colors. घर जाओ और चीजों को देखो और colors के बारे में सीखो. And say them aloud. Blue, green, pink, purple, red and brown. Thank you, students.